4 अप्रैल को हजारीबाग में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा के 45वां स्थापना दिवस की सफलता को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि ये स्थापना दिवस बेहद ही ऐतिहासिक और अजूबा होगा। 4 अप्रैल को हजारीबाग के गांधी मैदान में आयोजित पार्टी स्थापना दिवस में पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्वकर्ता इस कार्यक्रम में पारंपरिक परिधान में होंगे। इस प्रेस वार्ता के दौरान झामुमो के केंद्रीय सचिव ने कहा कि कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। स्थापना दिवस कार्यक्रम में सूबे के सीएम चंपई सोरेन, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सहित कई जेएमएम कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। साथ ही कहा गया कि उक्त कार्यक्रम की तैयारी सभी कार्यकर्ता तेजी से शुरू कर दी है। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। प्रेस वक्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस 4 अप्रैल को हो रहा है और इस स्थापना दिवस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम लोगों ने इसलिए स्थापना दिवस करते हैं कि साल भर में हम लोग क्या बनाया, क्या खाया, क्या पिया, पार्टी कहाँ प्रोग्रेस किया, उसके लेकर हम लोग 45वां स्थापना दिवस कर रहे हैं। और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग गांधी मैदान जहाँ मटवारी वहाँ कर रहे हैं और एक ऐतिहासिक कर रहे हैं और यही इतिहास हजारीबाग जिला को नया दिशा देगा। और उसी दिन हम लोग शपथ लेंगे कि इस बार उपीय गठबंधन को जो प्रत्याशी है 100 नहीं 200% हजारीबाग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जिताने का काम करेंगे। अच्छा, आपने अपने संबोधन में कहा कि भरा रहेगा, उसको कैसे प्रभावित करेगा? अजूबा इसलिए रहेगा, हमारा झारखंडी के जो कलाकार हैं, झारखंडी की जो वेशभूषा है, झारखंडी का जो हमारा जो हाथों हथियार है, हम लोग सब लेके आएंगे, इसीलिए अजूबा चीज होगा। पार्टी के कौन कौन लोग पहुंचे? पार्टी को तो आप जानते हैं कि इस राज्य का मुखिया आदरणीय चंपई सोरेन जी पहुंचेंगे और हमारे आदरणीय कल्पना सोरेन जी पहुंचेंगे, हमारे गिरिडीह के विधायक सोनू बाबू और हमारे फागू दादी उपस्थित रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी क्या सोच रही है? लोकसभा का एक ही चुनाव, एक ही सोच है कि भाजपा भगाओ, झारखंड बचाओ, दूसरा कोई सोच नहीं है। अच्छा, सीएम हेमंत सोरेन का मुक्ति मोर्चा का ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और आपको जानकारी है, सभी लोग जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी है इस राज्य की जिसमें कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं से कार्यकर्ताओं के बीच और नेताओं से नेताओं के बीच में कभी भी पॉलिटिकल बॉन्डिंग नहीं रहा। ये पर्सनल बॉन्डिंग हम लोगों का होता है, एक परिवार के रूप में हम लोग हैं और आज हमारे परिवार के मुखिया जेल में हैं। आप सभी जानते हैं कि कोई उनके ऊपर उस तरह का आरोप नहीं है और इसी कारण पूरे झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में, झारखंड के आवाम में जो रोष है वो कल प्रदर्शित होगा हमारे कार्यक्रम में। क्या लगता है इस कार्यक्रम से पार्टी का विस्तारीकरण में भी बल मिलेगा? पार्टी का विस्तारीकरण तो हो ही रहा है और जब से हमारे संजीव जी प्रभारी बने हैं तब से पार्टी बहुत आगे बढ़ी है। मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूँ, केंद्रीय समिति की ओर से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छी संख्या में नौजवान जुड़े हैं, महिलाएं जुड़ी हैं। जहाँ जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई प्रचार नहीं था, प्रसार नहीं था, वहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पहुँची है और इस अगले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है और हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत ईमानदारी के साथ काम में लग गए।